इशू वीडियो ऑन कर अपनी। तो बेटा आज ये आपका सेकंड लेक्चर है क्वाड्रेटिक का। तो कल आपको मैंने जो कराया था मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। कल आपको मैंने ये कराया था कि किसी क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे बनता है। जो क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू x स्क्वायर ax स्क्वायर bx प्लस c, तो आप उसका ग्राफ कैसे बनाओगे। तो इसका ग्राफ यदि डी जीरो से बड़ा हो, कल ये समझाया था बेटा, यदि डी जीरो से बड़ा बनता हर बार पैराबोला, यानी आप किसी भी क्वाड्रेटिक का कभी भी ग्राफ बनाओगे बनेगा हर बार पैराबोला। बस वो इस चीज पर डिपेंड करता है पैराबोला की शेप कैसी है। यदि डी जीरो से बड़ा आ रहा है तो ग्राफ वो जो पैराबोला बनता है ना बेटा वो एक्स एक्सिस को काट के जाता है। अब वो पैराबोला दो तरह का बनता है बेटा, ओपन फ्रॉम अपवर्ड या ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है ए कैसा नंबर है बेटा। यदि आपने ए को पॉजिटिव लिया तो बनेगा ओपन फ्रॉम अपवर्ड, और ए नेगेटिव ले लिया तो बनेगा ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड। तो वो सारा ए पे डिपेंड करता है बेटा। तो इसका मतलब यदि डी जीरो से बड़ा है तो ग्राफ क्या बनेगा बेटा, इसका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो इसके रूट्स होंगे बेटा। अच्छा मान लो डी जीरो है तो ग्राफ आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है बेटा, डी यदि जीरो से बड़ा होता है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं, टू रियल रूट्स। दोनों के दोनों रियल रूट्स होते हैं, टू रियल रूट्स एंड डिस्ट्रिक्ट रूट। दोनों के दोनों अलग अलग रूट्स होते हैं बेटा, दो रियल रूट होते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। डी जीरो की इक्वल है तो रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स, रियल एंड दोनों एक जैसे आएंगे बेटा, आइडेंटिकल दोनों एक जैसे। कल कराया था ये थोड़ा सा बेटा हल्का हल्का रिवाइज करा रहा हूं बस, फिर आगे नया टॉपिक कराता हूँ। थर्ड केस है डी जीरो से छोटा आ जाए तो रूट्स होंगे ही नहीं, तो रूट्स क्या आएंगे बेटा, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स उसके होंगे ही नहीं बेटा। तो ग्राफ एक्स एक्सिस से या तो ऊपर रहेगा या नीचे। तो अब इन्हीं में से मैं तुम्हारे एक टॉपिक निकालना बेटा मुझे, उसको लोकल भाषा में तो बोलते हैं हम सेनापति का रूल, बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा डेली लाइफ के अंदर, तो ये बोलते हैं सेनापति का रूल, वैसे उसको बोलते हैं हम। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो जैसे हम ये लेते हैं ना बेटा, एक लोकल भाषा के अंदर हम ये यूज करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा सेनापति का रूल। ये सेनापति का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा थे तो जिधर राजा या सेनापति चलता था सारी सेना उसके पीछे चलती है बेटा। जिधर राजा या सेनापति चलता है सारी सेना उसके पीछे चलती है, यही हमारे पास यहां होता है बेटा। मान लो किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक या तो सारी एक्स एक्सिस से ऊपर होगी या सारी एक्स एक्सिस से नीचे होगी। जो क्वाड्रेटिक होगी तो मान लो कोई क्वाड्रेटिक है वाई एफ एक्स, उसका डी नेगेटिव है, एक्स एक्सिस को तो काटेगी नहीं बेटा,
सारी या तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगी, अभी जो थर्ड केस कराया था, सारी या तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगी या सारी एक्स एक्सिस से नीचे होगी बेटा। तो एक्स एक्सिस ऊपर कब होती है, जब ए पॉजिटिव होता है बेटा। एक्स एक्सिस से नीचे कब आती है, जब ऊपर फ्रॉम डाउनवर्ड है, जब ए नेगेटिव है। चलो जब ए नेगेटिव है तो बेटा, अब इसको देख के आप क्या कहते हो, ए जो भी पॉजिटिव है तो सारी ऊपर ही ऊपर आ रही है, तो ये रूल बन गया बेटा, व्हेन डी इज नेगेटिव ए इज पॉजिटिव देन, ये जो क्वाड्रेटिक है ना एफ ऑफ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये बड़ा होगा जीरो से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये होती है इसको सेनापति बहुत यूज होते हैं बेटा। आपको मैं पिछले 40 साल में 40 बार यूज दिखा सकता हूँ आईआईटी एनडीए में इसका, 40 साल में 40 बार यूज दिखा सकता हूँ इसका होगा। हाँ, यदि डी नेगेटिव है तो ए यदि नेगेटिव है, अब ए नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव हो जाएगा, देन एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक है ये जीरो से छोटी होगी बेटा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत दोनों, फर्स्ट रूल है ये, सेकंड रूल है। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं कि हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। हिमांशी वीडियो ऑन कर ले इशू, हिमांशी और खुशी एक जगह पे बैठो, टिका के बैठो खुशी, हिमांशी वीडियो में तोफ किया करो, फिर मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, देख लो, बार बार नहीं कहूंगा मैं वीडियो के लिए बेटा। तो कल आपको मैंने क्वाड्रेटिक के ग्राफ कराए थे बेटा, आज उन ग्राफ के अंदर मैंने बस आपको और क्या चीज, नई चीज और ऐड कराई है, सेनापति का रूल ये कराया बेटा। तो सेनापति रूल आपको मैंने बताया क्या होता है, कि मैंने अपने आप नाम बना रखे बेटा, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैंने खुद बनाया हुआ है। बुक्स में तो इसको यूं बोल देते हैं हम कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वहां तो वर्ड साइन चलता है बेटा, कोई सेनापति वानापति रूल नहीं होता, ये मैंने खुद बना रखा अपने आप ही याददाश्त के लिए। क्यों, यदि ए पॉजिटिव है तो सारी पॉजिटिव होगी, बोलो सारे का सारा एक्सप्रेशन ऊपर जा रहा है, देख लो कर ऊपर है, ए नेगेटिव है तो सारा एक्सप्रेशन नीचे है, तो सारा एक्सप्रेशन नेगेटिव आ गया बेटा। हाँ, ये जीरो को टच करने के लिए भी होल्ड करता है ये लोग, यदि मैं टच करने वाली बात ले लूं तो आप इसको यूं भी बना सकते हो, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, टच करके जा रहा है, टच कर रहा है, मान लो टच कर रहा है बेटा, तो टच कर रहा है तो डी जीरो से बड़ा बराबर हो सकता है बेटा, टच कर रहा है तो सॉरी डी जीरो है बेटा। अब ये लो ए नेगेटिव है डी जीरो है तो टच कर रहा है बेटा, ये लो, तो ये भी तो रूल बना सकते हैं, यदि हमें नहीं बता रखा हो टच भी बीच में काउंटेड कर रखा हो, तो ये है व्हेन डी लेस देन इक्वल टू जीरो है, कोई लेस देन भी हो इक्वल टू भी हो और ए जीरो से बड़ा हो, देन ग्राफ टच भी कर सकता है। एफ ऑफ एक्स आप क्या कहोगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, हमेशा जीरो से बड़ा है तो बड़ा बराबर जीरो से होगा, कोई टच करना भी तो आ गया। आगे क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फोर्थ रूल पे क्या लोगे आप, व्हेन डी
है सब में लेस देन, फर्स्ट और साइड में इक्वल टू नहीं लिखवाया बेटा, ए यदि नेगेटिव नंबर आ जाए देन एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो है कुछ नहीं बेटा, सिर्फ ये किस चीज से निकला है, सिर्फ ये इस चीज से निकला है कि जब किसी क्वार्टिक का डी इनएक्टिव होता है तो बेटा वो एक्स एक्सिस का या तो ऊपर ही ऊपर रह जाती है, नीचे नीचे रह जाती है। और ऊपर ही ऊपर रहने का मतलब क्या है, वो कभी नेगेटिव हुई नहीं, और नीचे नीचे रहने का मतलब क्या है, वो कभी पॉजिटिव नहीं हुई। मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ बेटा, एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स माइनस सेवन है, तो इसका डी निकालो बेटा, डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स, फोर इंटू माइनस थ्री इंटू में माइनस सेवन, यह आ गया 16 माइनस 84, यह आ गया माइनस का 68, यह आ गया बेटा हाँ 68 लेस देन जीरो आ रहा है। अब इस क्वार्टिक का डी नेगेटिव आ रहा है और ए यहां पर क्या है बेटा, ए यहां पे नेगेटिव है बेटा। अब ए नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा बेटा, ए नेगेटिव होने से बेटा तो सारी की सारी एक्स एक्सिस से नीचे जाएगी, तो बस कुछ नहीं करना, ये ग्राफ बना दो बेटा बस, ये करो बस आंसर आ गया कि भाई डी नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस को तो काटेगी नहीं, या ऊपर है या नीचे है, अब ए नेगेटिव है तो नीचे है, बस आंसर आ गया। यू ग्राफ बनाना होता है बेटा बस। हाँ इसका वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स तो वर्टेक्स का फार्मूला आपको क्या बता रखा होता है, वर्टेक्स का फार्मूला होता है बी बाय टू ए माइनस का डी बाय फोर ए, बी बाय टू ए बी हो गया फोर तो माइनस फोर बाय टू ए तो माइनस फोर बाय टू इंटू में माइनस थ्री, तो ये आ गया टू बाय सिक्स टू बाय थ्री, ये आ गया टू बाय थ्री डी ए माइनस का 68, 68 बाय फोर ए फोर इंटू माइनस थ्री 68 बाय माइनस 12, तो थ्री पे काट फोर पे काट दो बेटा माइनस 17 बाय थ्री, तो ये माइनस 17 बाय थ्री आ गया। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए पी के, 2 बाय थ्री माइनस 17 बाय थ्री, ये आंसर आ गया। चलो मुझे कोई कहे कि इसका ग्राफ ड्रा कर, ड्रा द ग्राफ, तो तरीका क्या है, मैंने डी निकाला डी नेगेटिव आ गया, अब भाई डी नेगेटिव है तो ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं बेटा, काट गया ना तो रूट्स होते हैं, अब डी नेगेटिव है तो रूट्स होते ही नहीं। अच्छा अब इस ग्राफ को देख के पता है मैं क्या बोलूंगा, एफ ऑफ एक्स जो आपके पास क्वाड्रेटिक है ना माइनस थ्री एक्स स्क्वायर 4x माइनस 7, पता क्या लिखूंगा कि भाई तू जीरो से छोटी है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x कुछ भी भर लो इसमें, क्या मतलब, ये लो x को मैं 100 भर दू ना इस सारे में, माइनस 3 इंटू में 100 का स्क्वायर 4 इंटू में 100 माइनस 7, तब भी ये जीरो से छोटा आएगा। f मान लो मैं माइनस का 100 भर दू तो माइनस थ्री इंटू में माइनस 100 का स्क्वायर फोर इंटू में माइनस 100 माइनस 7, ये भी जीरो से छोटा है। एफ यहाँ पे आप 10 लाख भर लो बेटा, ये लो तो माइनस थ्री इंटू में 10 लाख या 10 करोड़ का स्क्वायर फोर इंटू में 10 लाख, ये आ गया
माइनस सेवन, तब भी जीरो से छोटा है। ये जो हम लाइन लिखते हैं ना फॉर ऑल एक्स, तू एक्स जो मर्जी भर ले इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, मुझको आधा घंटा हो गया एक ही चीज समझा रहा हूं बार बार, सेनापति करो सेनापति करो। कारण आप किसी भी साल आईआईटी का पेपर उठा के देखो बेटा, किसी भी साल सेनापति पे क्वेश्चन कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूज होता है बेटा, आता है कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। यानी कि डी नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं बेटा, या ऊपर रहेगा या नीचे। अब ऊपर रहेगा तो अपने ये ऊपर का बनता है जब ए पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्वाड्रेटिक सारी हमेशा जीरो से बड़ी बड़ी है बेटा, ऊपर ही ऊपर आएगा एक्स जो मर्जी भर दो, ये होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल के अंदर आता है बेटा। तो किसी को कुछ समझना है तो बेटा पूछ सकते, मैंने आपको अनम्यूट कर रखा है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ज्यादा जरूरी बात है तो पूछ लो बेटा, कोई हल्की फुल्की बात है तो बाद में पूछ लेना। बोलो बेटा, अब मैं इसके ऊपर आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, आईआईटी में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं इसके ऊपर देखो। लो बेटा, ये लो एग्जांपल करा रहा हूं, इससे आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बेटा, वनडेड इलेवन असाइनमेंट का बेटा स्टेटमेंट है, ये आपका आईआईटी में आया हुआ 2004 में, आईआईटी 2004 में आया हुआ 111 क्वेश्चन है, फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर 2ax प्लस 10 माइनस 3a तेरा जीरो से बड़ा है, देन इंटरवल बताओ, देन इंटरवल इन विच a लाइज, ए कहां से लेकर कहां तक लाइज करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा ए लेस देन माइनस फाइव होगा, सेकंड ऑप्शन है ए माइनस फाइव और टू के बीच में होगा, थर्ड ऑप्शन है ए ग्रेटर देन फाइव होगा, फोर्थ ऑप्शन है ए ग्रेटर देन टू लेस देन फाइव होगा। दोबारा सुन लो, ये क्वाड्रेटिक दे दी बेटा एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर टू ए एक्स टेन माइनस थ्री ए, कहते ये जीरो से बड़ी है फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स का बोला एक्स आप कुछ भी नंबर ले लो, जिसका लो सेनापति रूल लगाना, जीरो से बड़ी है जिसका लो इसका ग्राफ एक्स एक्स से ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा। सेनापति रूल क्या कहते हैं, यदि ये जीरो से बड़ी है ऊपर ही ऊपर है तो एक्स इसका ग्राफ इसका एक्स एक्स से ऊपर बढ़ेगा बेटा, और ग्राफ एक्स एक्स से ऊपर का बनता था जब डी नेगेटिव हो, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसका डी जीरो से छोटा होगा। कैसे लिया बेटा मैंने, उसी जो सेनापति रूल बना रखा बेटा उसके अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ, ये लो। क्यों भाई, यदि सारी की सारी एक्स एक्स से ऊपर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव होगा, तो वह तो पॉजिटिव ही है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वन आ रहा है, वो तो वैसे ही जीरो से बड़ा है, तो डी नेगेटिव कर दो, डी निकालना, इसका डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा, बी कितना है रहा टू ए का स्क्वायर फोर इंटू वन इंटू सी आ गया टेन माइनस थ्री ए, सर आ गया फॉर ए स्क्वायर फॉर इंटू टेन माइनस थ्री ए, फॉर कॉमन ले लो बेटा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए
माइनस टेन लेस देन जीरो, इसके फैक्टर बना लो बेटा, ए प्लस फाइव ए माइनस टू लेस देन जीरो। ए क्या आ गया, माइनस फाइव और माइनस टू के बीच, प्लस टू के बीच में ये आंसर आ गया। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, बी ऑप्शन ठीक होगी बेटा, या आईटी में आया बेटा, पढ़ो उसको, पूछो कुछ है। सिर्फ मैंने डी नेगेटिव है ये लाइन यूज किया बेटा, और ये चीजें आप लोगों ने पहले कर रखी हैं कि आपको कभी भी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लेस देन जीरो दिखाई देता है। x क्या होता है, अल्फा और बीटा के बीच का नंबर होता है बेटा, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, तो मैंने वही तो लिखा बेटा यहाँ पे। अब बार बार बैठ के इसको पढ़ो बेटा, बार बार इसको बैठ के पढ़ो बेटा। हमने एक क्वेश्चन नहीं करना, हमने तो मेथड समझना बेटा इसका, हमें ये मेथड समझ आना चाहिए कि मैंने क्यों डी नेगेटिव लिया। करो बेटा रट्टा नहीं मारना, हमने कोई भी रट्टा नहीं मारना बेटा आप लोगों ने। हमें क्या दे रखा है बेटा, x स्क्वायर 2ax प्लस 10 माइनस 3a, कह रहा है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा है, कह रहा है a बता किस इंटरवल में लाइज करता हो। पहली ऑप्शन है a माइनस 5 से कम, कह रहा है a माइनस 5 टू 2, a 5 से बड़ा, a 2 टू 5। तो मैंने क्या यूज किया, ये क्वाड्रेटिक जीरो से बड़ी है, सारा एक्स एक्सिस ऊपर आएगा ग्राफ, यानी कि इसका ग्राफ जो है बेटा, ग्राफ विल बी लाइज अबव द एक्स एक्सिस, ग्राफ विल बी लाइज अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ऊपर पड़ा होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ग्राफ नहीं काटेगा, नहीं काटेगा तो डी नेगेटिव आएगा। तो डी निकाला मैंने, डी क्या होता है क्वाड्रेटिक में, बी स्क्वायर, बी होता है एक्स के साथ वाला 2a का स्क्वायर, 4ac, 4 इनटू a 1 है, c है 10 माइनस 3a। करो बेटा इस सारे को रीड करो, वीडियो ऑन रखो श्रेयांश, और लो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। जब भी आईआईटी में आएगा बेटा ये लो, ये भी असाइनमेंट का ही करा रहा हूं मैं आपको। 141 क्वेश्चन है बेटा, असाइनमेंट का ही है बेटा, स्टेटमेंट है ये आपका आईआईटी में आया हुआ बेटा 2009 में, स्टेटमेंट है इफ द रूट्स of the equation bx square cx plus a is equal to 0 or imaginary, is quadratic ke roots imaginary hai, then for all real values of x, the expression, करें ये जो expression दे रखे हैं ना बेटा,
थ्री बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर सिक्स सी एक्स सी बी सी एक्स टू सी स्क्वेयर इज फर्स्ट ऑप्शन है बेटा। कहते क्या ये लेस देन आएगा फॉर ए बी, बी ऑप्शन है ग्रेटर देन फॉर ए बी माइनस फॉर ए बी, सी ऑप्शन है लेस देन माइनस फॉर ए बी, डी ऑप्शन है बेटा ग्रेटर देन है फॉर ए बी। दोबारा सुन लो बेटा क्या कह रहा है शुभम मलिक, ध्यान दे ऊपर उठ के बैठ, सीधा सीधा बैठा। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक है, कह रहा है यदि इसके रूट्स इमेजनरी हैं, पर रियल नहीं है बेटा, यानी ये कहना चाहता है कि इसके रूट्स यदि इमेजनरी हैं देन एक्सप्रेशन ये दे रखे ना थ्री बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू बी सी एक्स प्लस टू सी स्क्वायर इज, कह रहे ये बताओ क्या ये सारा एक्सप्रेशन लेस देन फोर ए बी होगा कि ग्रेटर देन माइनस फोर ए बी या लेस देन माइनस फोर ए बी ग्रेटर देन प्लस फोर ए बी, ये सब करना बेटा इसको। क्या करो पहले वाली क्वाड्रेटिक को मैंने एफ ऑफ एक्स मान दिया बेटा बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस ए, कह रहा हैव इमेजिनरी रूट्स, जिसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो डी जीरो से छोटा होगा बेटा, डी निकालना यार बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। कह रहा है देन ये जो साइड में एक्सप्रेशन दूसरा एक जी ऑफ एक्स है, कह रहे ये जी ऑफ एक्स के बारे में बताओ ये कैसा आएगा बेटा, मतलब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है एक तरह से। ये लो ये क्वाड्रेटिक जी ऑफ एक्स ली, इस क्वाड्रेटिक का डी निकालो बेटा, डी क्या आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक का डी आ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी आ गया सिक्स बी सी का स्क्वायर फोर इंटू थ्री बी स्क्वायर एंड टू सी स्क्वायर, ये आ गया बेटा आ गया थर्टी सिक्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, तो डी आ गया ट्वेल्व बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और स्क्वायर तो हमेशा ही जीरो से बड़े होते हैं बेटा। इसका वाला इसका ग्राफ क्या बनेगा यदि इसका डी पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, ये लो ये ग्राफ, तो यहां पे क्या लिखेगा जी ऑफ एक्स, जो ग्राफ है जो जी ऑफ एक्स है उसका ग्राफ है वाई इक्वल टू जो जी ऑफ एक्स है क्या है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस टू टाइम्स और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव है बेटा, इंटरसेक्ट लिखा ना वाई इक्वल टू ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स टू टाइम्स एंड ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ओपन फ्रॉम अपवर्ड ऊपर से खुलेगा तो ग्राफ ये बना, जब ये ग्राफ बना तो इसका वर्टेक्स क्या आता है चलो बेंडिंग पॉइंट माइनस का बी बाय टू ए माइनस का डी डिवाइडेड बाय फोर ए, तो मतलब डी बाय टू बी बाय टू ए कितना आ रहा है बी बाय टू ए, बी आ रहा है इसका सिक्स बी सी बाय टू ए टू इंटू थ्री बी स्क्वायर
माइनस सिक्स बी सी बाय सिक्स बी स्क्वायर कट के आ गया माइनस का सी बाय बी, ये सिक्स बी ये आ गया और डी बाय फोर ए की तरह आ रहा है, डी बाय फोर ए डी की वैल्यू आ रही है ट्वेल्व बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय फोर ए, फोर इंटू थ्री बी स्क्वायर तो ट्वेल्व बी स्क्वायर आ गया, तो माइनस का सी स्क्वायर आ गया बेटा। इसका मतलब यहाँ पे जो y है ना मिनिमम वो ये आ रहा है डी बाय फोर है, इसका मतलब जी ऑफ एक्स बड़ा बराबर आएगा माइनस डी बाय फोर से, यानी कि जी ऑफ एक्स का मतलब वो जो क्वालिटी के ऊपर वाली है जी ऑफ एक्स बड़ा बराबर आएगा डी बाय फोर है, कितना आया अभी माइनस सी स्क्वायर से। ऊपर आप इक्वेशन देखो सी स्क्वायर तो लेस देन फोर ए बी है नंबर वन मान लो बेटा ऊपर ले लो, बट फ्रॉम वन ऊपर वन की बात करोगे तो सी स्क्वायर फॉर ए बी से कम है बेटा, तो माइनस लगाइए माइनस सी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा माइनस फॉर ए बी से। अब जी ऑफ एक्स बड़ा बराबर है माइनस सी स्क्वायर से, माइनस सी स्क्वायर बड़ा है माइनस फॉर ए बी से, तो जी ऑफ एक्स क्या आ गया बेटा जी ऑफ एक्स हमारे पास जी ऑफ एक्स बड़ा है माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर उससे बड़ा है, तो जी ऑफ एक्स बड़ा आ गया माइनस फोर ए बी से, ये आंसर आ गया बेटा। ऑप्शन कौन सी आ गई बेटा, बी ऑप्शन आ गई बेटा। ये बेटा मैं स्टेप सारे लिखवा रहा हूँ इसलिए बड़े लग रहे हैं आपको, बड़े नहीं है छोटे छोटे क्वेश्चन है ये मैं अब नाइन टेंथ की सारी बातें लिखवा रहा हूँ, क्वार्टिक बेटी क्या होता है ए क्या होता है अभी एक बार दोबारा देख लो सभी बच्चे, स्टेटमेंट है इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी देन दिस एक्सप्रेशन जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो किससे बड़ा बराबर होगा या छोटा बराबर होगा ये बताना है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक को मैंने लेट एफ ऑफ एक्स मान लिया कह रहे उसके रूट्स इमेजिनरी है तो उसका डी नेगेटिव आएगा, डी हो गया ये रहा सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी प्लस देन जीरो, सी स्क्वायर फोर ए बी से कम हो गया। अब कह रहे दूसरी क्वाड्रेटिक जो है तो वो क्वाड्रेटिक क्या है बेटा आपको ये जो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक है वो ऐसी नहीं लग रही आपको ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स फिर सी, ये क्वाड्रेटिक क्यों लग रही है जी ऑफ एक्स कह रहे उसके बारे में बताओ, तो उस क्वाड्रेटिक का डी निकाला मैंने, डी आ गया सिक्स बी सी का स्क्वायर ये रहा फोर ए इंटू सी ये आ गया बेटा, तो डी आ गया थर्टी सिक्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर थर्टी फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि ट्वेल्व बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब डी जीरो से बड़ा आने का मतलब क्या है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा और ए पॉजिटिव है थ्री बी स्क्वायर कोफिशियंट है ना उसका, तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा बेटा, ये लो ऊपर की तरफ खुल गया। जब ये ऊपर की तरफ खुल रहा है उसकी यू ग्राफ बन रहा है तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी माइनस डी बाय फोर ए, तो इसका जी ऑफ एक्स बड़ा बराबर होगा माइनस डी बाय फोर ए से, जो जी ऑफ एक्स है वो डी बाय फोर ए से बड़ा होगा। अब डी बाय फोर ए मैंने सोल्व किया वो माइनस सी स्क्वायर आ रहा है तो जी ऑफ एक्स बड़ा बराबर आ गया माइनस सी स्क्वायर से, पर ऊपर जो मैं दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सी स्क्वायर फोर ए बी से कम है तो माइनस लगाइयो तो माइनस सी स्क्वायर बड़ा हो गया माइनस फोर ए बी से। अब जी ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वायर से बड़ा है, माइनस सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी से बड़ा है तो जी ऑफ एक्स माइनस फोर ए बी से बड़ा आ गया, ये आंसर है। करो बेटा इसको रीड करो सारा बेटा एक बार, करो बेटा रीड, लो बेटा
पूछना मत, मैं आपको जब थोड़ी देर के बाद कहूंगा तब पूछना भी क्वेश्चन कराने को। नो बेटा, लो स्टेटमेंट है, इफ द एक्सप्रेशन 65th क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट है कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री सारे का मॉड। 65th क्वेश्चन है बेटा असाइनमेंट का, कह रहा है इक्वल टू बी, कह रहा है वी स्टेटमेंट, कह रहा कौन सी स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज ट्रू है। नंबर एक पहला पॉइंट है बेटा, इफ बी यदि नेगेटिव है देर आर नो रियल सोल्यूशन, रूट्स रियल नहीं है बेटा। सेकंड है बी यदि जीरो है बेटा, इफ there are three real solution, करें तीन आंसर आएंगे। नंबर सी है बेटा, बी यदि जीरो और एक के बीच में है देर आर फोर सोल्यूशन, देर आर देन फोर रियल सोल्यूशन। डी ऑप्शन है बेटा, इफ बी इज इक्वल टू वन है देन टू रियल सॉल्यूशन है बेटा, टू रियल सॉल्यूशन है बेटा इसकी। फिर मिला के जो ऊपर वाला ग्राफ है ना बेटा, ये इसके रूट्स बताने बेटा, बी के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा ये लोग। तो आप पहले इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओ ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बनाओ। इस क्वाड्रेटिक का डी निकालो बेटा, डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू माइनस थ्री, क्या आ गया फोर प्लस ट्वेल्व सिक्सटीन आ गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब डी सिक्सटीन आ गया, जीरो से बड़ा बेटा, तो रियल रूट्स आएंगे बेटा, टू रियल रूट्स होंगे, टू रियल रूट्स ऑफ इस क्वाड्रेटिक के, दो रियल रूट्स होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। हाँ अब इसका वर्टेक्स निकालोगे बेटा, वर्टेक्स बी बाय टू ए माइनस का डी बाय फोर ए, बी आ गया माइनस का टू माइनस टू प्लस टू, टू बाय टू ए, टू बाय टू वन आ गया बेटा। डी डी आ गया 16 माइनस का 16 बाय 4 ए, 4 इंटू 1 माइनस का 4 ही आ गया बेटा डी। यानी कि इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स आ गया बेटा, तो ग्राफ क्या बनेगा, इसके रूट्स भी निकाल लो, रूट्स क्या निकलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, रूट्स आ गया माइनस 1 एंड माइनस प्लस 3 आ गया।
तो अब इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ क्या बनेगा, रूट्स आ रहे हैं इसके माइनस वन एंड थ्री, माइनस वन ये रहा बेटा, एक रूट था रूट थ्री आ रहा है बेटा, ये रहा ये आ गया बेटा रूट्स, एक आ रहा है माइनस वन, एक आ रहा है थ्री, इसका ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, एक्स एक्सिस को एक बार माइनस वन पे काटेगा और बनेगा ऊपर की तरफ ओपन फ्रॉम अपवर्ड, लो बेटा, और वर्टेक्स आ रहा है वन माइनस फोर, वन माइनस फोर क्या होगा, क्या आ गया कि थ्री आ गया, ये माइनस वन आ गया, ये पॉइंट आ गया वन एंड माइनस फोर। अब ये ग्राफ किसके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ है। यदि आपको किसी भी कर्म में उसके मोड़ का ग्राफ बनाना हो, इसके चारों तरफ मोड़ लगाओ बेटा, तो याद है मैंने आपको मेथड क्या बताया था, ऊपर वाला वही, नीचे वाला साफ कर दो, नीचे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन, तो ये लो, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर वाला वही, नीचे वाला इरेज कर दो, नीचे वाले की ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन, तो ये पॉइंट तो वही रहेंगे बेटा माइनस वन एंड फोर, ये वही रहेगा, ऊपर ये पॉइंट यहां आ जाएगा बेटा, तो ग्राफ ये बनेगा। ये आ गया माइनस वन, ये आ गया थ्री, ये पॉइंट आ गया बेटा वन एंड फोर रिफ्लेक्शन ली। अब मैं यहां पे बी के बारे में, पहले पहली ऑप्शन देखो बेटा क्या है, ये किसका ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू मॉड एक्स, बेटा नोट मत करो, ये आईआईटी के क्वेश्चन है, ये आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, नोट मत करो बेटा, मेन तो बहुत आसान आता है, मेन का पेपर तो यूं लगा लो एलिमेंट के ही क्वेश्चन आते हैं मेन में तो आधे से ज्यादा, तो जो भी क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा हो ना बेटा तो समझ लेना बेटा वो एडवांस में आता होता है, मेन बहुत आसान पेपर आता है। अब लो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बन गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, इसके बराबर में बी दे रखा है बेटा, अब बी में क्या लू, पहली ऑप्शन लो, पहली ऑप्शन क्या है देखो, बी यदि मैं जीरो और एक के बीच में लेता हूं तो एक बार वाई इक्वल टू बी का ग्राफ बनाना, जब बी जीरो और एक के बीच में है तो मैंने मान लिया बी वन बाय टू है, तो वाई इक्वल टू वन बाय टू का ग्राफ बनाना बेटा, वन बाय टू का ग्राफ क्या बनेगा, ये बन गया, ये वाई इक्वल टू बी का ग्राफ है बेटा, बी यदि वन बाय टू है तो ग्राफ दोनों आपस में बराबर कितनी बार हैं, कब कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इसका मतलब चार वैल्यू पे दोनों बराबर हैं, तो अब इसकी फर्स्ट ऑप्शन पढ़ना, इसने तो क्या कहा है, सॉरी सी ऑप्शन में इसने क्या, पहले तो सी ऑप्शन पढ़ो, सी ऑप्शन में क्या कहा है, बी यदि जीरो और एक के बीच में है तो फोर सोल्यूशन है बेटा, तो मैंने बी जीरो और एक के बीच में लेके दिखाया, अब मैंने इसको ग्राफ बनाया तो चार बार तो इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, तो चार ही तो सोल्यूशन आ रहे हैं बेटा इसके, तो ये ऑप्शन ठीक है, इसका लग सी पार्ट ठीक हुआ, तो आंसर क्या आ गया, तो सी ऑप्शन ठीक है बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ये लो, यानी किसने ये कहा ना बी जीरो और वन के बीच में, तो मैंने जो बी लिया जीरो और वन के बीच में लिया, तो मैंने उसका ग्राफ बनाया बेटा, तो ग्राफ वाई इक्वल टू बी का ग्राफ लिया, वो इसको एक दो बार, दो बार, तीन बार, चार बार काट दिया, तो चार सोल्यूशन आ गए,
तो सी ऑप्शन ठीक है। तो ये मैंने सी ऑप्शन चेक कराई, ये लो अब ए ऑप्शन लो बेटा। ए ऑप्शन क्या है, देखो ए ऑप्शन कह रहा है बी यदि जीरो से छोटा है, नो रियल रूट्स देन नो सॉल्यूशन। तो बी जीरो से छोटा लेना, बी जीरो से छोटा लोगे तो ये लो मैंने बी ले लिया मान लो माइनस वन, तो ग्राफ बनाना माइनस वन का ग्राफ ये बन गया। वाकई ग्राफ नहीं काट रहा तो ठीक है। तो ग्राफ क्या है, जो ग्राफ वाई इक्वल टू बी क्या है, डू नॉट इंटरसेक्ट कर्व, कर्व काट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है नो सॉल्यूशन। ये भी ठीक है ऑप्शन, हमें तो बताने जो ठीक नहीं है। तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी यदि जीरो से छोटा है तो नो रियल सॉल्यूशन, ठीक आ रही है, ठीक आ रहा है। सेकंड है ना, बी जीरो है तो थ्री रियल सॉल्यूशन, ले लो सी ऑफ बी ऑप्शन चेक करो बेटा। बी जीरो है तो वाई इक्वल टू जीरो का ग्राफ बनाओ, जीरो का ग्राफ क्या बनेगा बेटा, ये लाइन आ गई एक्स एक्सिस को जो टच करके जा रही है, इसी को डार्क कर रहा हूं बेटा मैं, ले लो इसको डार्क कर दिया बेटा मैंने, क्योंकि बी जीरो होने का मतलब क्या है, ये लो ये लाइन आ गई वाई इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो का ग्राफ बनाया बेटा, वाई इक्वल टू जीरो का ग्राफ, तो कितनी बार टच कर रहा है, दो बार टच कर रहा है, वाई इक्वल टू जीरो लिया, ये लाइन क्या होती है, लाइन टचेस द कर्व टू टाइम्स, तो टू रियल सॉल्यूशन आगे बेटा। वो इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, यदि बी आप जीरो लोगे, बी आप जीरो लोगे तो थ्री रियल आएगा, तो बी ऑप्शन गलत होगी बेटा। सी ऑप्शन अभी मैंने आपको करके दिखाई थी, यदि आप इसकी हाइट जीरो और वन के बीच में लेते हैं तो चार बार तो काट रही है बेटा उसको, तो फोर सॉल्यूशन ठीक है बेटा। तो फोर्थ ऑप्शन लो, बी यदि मैं वन लेता हूं, डी ऑप्शन लो फोर्थ, डी वन है, अब ये जो क्वांटिटी है डी वन लेने पर क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू बी वन ले लिया, तो वाई इक्वल टू जो वन का ग्राफ लोगे, वन का ग्राफ ये आ गया बेटा, वन का ग्राफ ही आ गया बेटा, वन का ग्राफ लो गया एक्स इक्वल टू वन, ये वन का ग्राफ लगा लो बेटा, लो बेटा वन का ग्राफ ये मान लो, वाई इक्वल टू वन का ग्राफ है। अब ये जी वन का ग्राफ है तो इसको कितनी बार काट रहा है, इसने कहा बी वन है तो टू सॉल्यूशन ना, यदि y इक्वल टू बी वन लोगे तो क्या है, दीज टू कर्व, दीज टू कर्व कितनी बार काट रहे, टू कर्व इंटरसेक्ट एट फोर पॉइंट्स, ऑप्शन कौन कौन सी ठीक होगी, ए ऑप्शन ठीक होगी और सी ऑप्शन ठीक होगी बेटा। पढ़ो बेटा इसको क्वेश्चन को, लो बेटा 71 देखो, ये भी असाइनमेंट का बेटा स्टेटमेंट है, इफ सी जीरो से बड़ा है देन थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज
नो रियल रूट्स। कह रहे सी जीरो से बड़ा है और इस इक्वेशन के रियल रूट्स है ही नहीं, देन ये ऑप्शन है बतानी बेटा नंबर ए फर्स्ट ऑप्शन है 2a प्लस सी बी से बड़ा है, सेकंड ऑप्शन है a प्लस टू सी बी से बड़ा है, थर्ड ऑप्शन है 3a प्लस सी फॉर बी से बड़ा है, फोर्थ ऑप्शन है a प्लस थ्री सी बी से कम। अब ये क्या कह रहा है बेटा, अब ये कह रहा है इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स नहीं है। अब रियल रूट नहीं है तो भाई दो बातें हैं, या तो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा या ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ेगा। भाई रियल रूट नहीं है तो ग्राफ काटेगा नहीं। अब आ जाओ इसके अलावा कह रहे हैं सी जीरो से बड़ा है, इसको मान लो मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया, थ्री ए एक्स स्क्वायर फोर बी एक्स प्लस सी, देखना क्या भरने पे सी आता है, जीरो भरना बेटा जीरो पे एफ ऑफ जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस सी आ गया, सी आ गया, इसका मतलब जीरो पे सी आ रहा है, सी जीरो से बड़ा है, इसका मतलब जीरो पे हाइट इसकी ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये लो एक्स इक्वल टू जीरो पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है, ये हाइट आ गई सी, निकलो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, जीरो पे सी हाइट नीचे की तरफ वाली आ रही है, ये ग्राफ नहीं बनेगा बेटा, तो ग्राफ ये वाला राइट है पहले वाला। अब किसी का ग्राफ ये बन रहा है बेटा, दोबारा सुन लो इंपोर्टेंट है बेटा, मैंने अब तक इंपोर्टेंट किसको कहा है, सेनापति रूल को कहा है और इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कह रहा हूं, इंपोर्टेंट है बेटा, इस टाइप के बहुत आते हैं क्वेश्चन, द्वारा सुन लो इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब ग्राफ या तो सारे का सारा ऊपर ऊपर बनेगा या नीचे नीचे, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दो बातें हैं बेटा, जब ए जीरो से बड़ा है तो ऊपर बनेगा, ए जीरो से छोटा मेरे को पता ही नहीं है ए के बारे में ए क्या है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी जीरो से बड़ा है तो सारे में क्वार्टिक में क्या भरूं कि सी आ जाए, जीरो भरने में सी आ रहा है, इसको लो जीरो पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है, अब जीरो पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है तो ग्राफ ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला बन नहीं सकता, वहां पे तो जीरो पे हाइट नीचे आ रही है बेटा। अब आ जाओ जीरो पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है, अब आ जाओ ये ऑप्शन पड़ी है तो ग्राफ ये वाला बनेगा ऊपर की तरफ। अब इस ग्राफ को हम देख के क्या कह सकते हैं, अब कुछ भी भरेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, अब यहाँ पे हम क्या भरें इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाए, सोच के देखो इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू माइनस वन ले लू मैं, या माइनस वन लेके देखना कोई ऑप्शन मैच कर रही है, माइनस वन लेते हो तो थ्री ए प्लस सी बड़ा आ रहा है माइनस, ठीक है तो आ जाओ एक्स इक्वल टू माइनस वन तो एफ ओ माइनस वन भी जीरो से बड़ा आएगा, ये सारे में माइनस वन भरना बेटा, सारी कर में माइनस वन भर दो ऊपर, थ्री ए इंटू में माइनस वन का स्क्वायर फोर बी इंटू में माइनस वन प्लस सी जीरो से बड़ा आएगा तो थ्री ए माइनस फोर बी प्लस सी, ये खूब आया हुआ बेटा क्वेश्चन, पांच छह बार इस टाइप का आई आई टी में आया वो, ये लो ऑप्शन कौन सी मैच करेगी बेटा, ये लो 3a प्लस सी फॉर ए बी से 4b से बड़ा, सी ऑप्शन आ गई बेटा, ये करो बेटा रीड करो, पूछो कोई स्टेप पूछना है।